तो इस धरती पर एक चमत्कारिक मानव पैदा होगा। मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? खुशहाल जीवन। और अभी भारत के तमाम लोग मानसिक रूप से बीमार हैं, डिजिटल तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करना नहीं सीख रहे हैं। 2019 में 39 दिनों में लोकसभा चुनाव हुए जो 10 मिनट में पूरे हो सकते हैं। ये अरबों खरबों का साम्राज्य देश की समाज की बेहतरी के काम आ सकता है। मेरे भाई, हम बदलेंगे तो समाज बदलेगा। सर, बीजेपी के नेता कह रहे हैं भारत हिंदू राष्ट्र है। देखिए, हिंदू एक जीवन पद्धति है। 1947 में हिंदू रहते हैं, ऑटोमेटिक हिंदू राष्ट्र है। भैया सुनो ना, 1947 में देश विभाजित हुआ, इस भारत के दो हिस्से हुए। छोटा भाई हमारा क्या बना? पाकिस्तान। उसने कहा भाई मैं तो इस्लामिक कंट्री हूँ, मैं मुस्लिम राष्ट्र बन रहा हूँ। भारत ने कहा नहीं, मैं बड़ा हूँ, मैं सबको अपने भीतर समाहित करके रखूँगा, मैं पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष बन रहा हूँ। और भारतीय संविधान दुनिया के श्रेष्ठ विचारों को आत्मसात करके बनाया गया, और जो प्रकृति की विविधता है उसको एकता के सूत्र में बांधकर भारतीय संविधान को खड़ा किया गया। आज मौलिक अधिकारों की बात आ गई। मैं हमेशा कहता हूँ कि इस दुनिया में एक स्वस्थ मानव जिस दिन आकार ले लेगा, क्राइम फ्री ये ग्लोबल विलेज बन जाएगा, सारा संसार क्राइम फ्री बन जाएगा। आप देखिए, नीदरलैंड में जेलें खत्म हो गई है। क्यों हो गई? वहाँ रिफॉर्म करने के दूसरे तरीके अपनाए जाते हैं। मेरे देश में, भारत में, जो दुनिया का गुरु बनना चाहता है, 1382 जेलों में 380,000 लोग बैठे हुए हैं। उसमें कई बड़े बड़े लोग, इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, IAS, IPS, बिना गुनाह के, बताइए अब उनको अंदर कौन करवा रहा है? प्रदीप शर्मा, जिसने कच्छ में 2001 में जब वहाँ पे भूकंप आया था, उसको रिफॉर्म करने में बड़ी भूमिका निभाई, वो जेल में सड़ रहा है। किसके कहने पर? नरेंद्र भाई के कहने पर। संजीव भट्ट, एक कुशल कर्तव्यनिष्ठ IPS, जेल में चढ़ रहा है। किसके कहने पर? नरेंद्र भाई के कहने पर। अब आप बताइए, क्या देश में मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है? गुजरात के अंदर 370 जैसे ही हालात हैं आज भी। मैं वहां खेडू नहीं बन सकता। खेडू मतलब किसान। अगर आप गुजरात के किसान नहीं है तो आप एक इंच कृषि भूमि नहीं खरीद सकते। आप तो आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप संविधान को पहले अच्छे से पढ़िए। देखिए, पढ़ने से शिक्षा ददाति विनय। मुझे नहीं पता नरेंद्र भाई कितने पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये मुझे पता है 25 जून 1975 की रात इमरजेंसी में जब सारे देश के जनसंघ के विचारकों को उठाया गया था, उस समय वो व्यक्ति भागकर आदिपुर कच्छ जिले में चला गया था और 19 महीने वो कच्छ में ही रहा सरदार बन के। सरदार बन के सरदारी की भूमिका में रहा था कि कोई पहचान न सके, तो उसको थोड़ी थोड़ी पंजाबी भी आ गई। वाहेगुरु दा खालसा, वाहेगुरु दी फतेह, बहुत अच्छी करने लग गया। वो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, सब बोलने लग गया। तो मेरा कहना यह है, इतिहास करवट ले रहा है, समय बदल रहा है। मैंने 3 क्रांतियां मेरे जीवन में देखी, अपने जीवन में। मैं इतिहास भूगोल की बात नहीं करता। पाषाण युग की जब आदमी पत्ते बांधता था, ग्रेंडल पे एक एक अक्षर को टाइप किया जाता था, अब डिजिटल टेक्निक का युग। आप अभी खड़े खड़े यहीं से इस पिक्सल के जरिए मेरी सूचना पूरी दुनिया में अभी पहुंचा दोगे आप, विद इन ए फ्यू सेकंड। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं, मैंने 3 क्रांतियां जो अपनी आंखों से देखी। पहली क्रांति देखी मैंने जब जयप्रकाश ने नारा दिया, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो लोकप्रिय प्रधानमंत्री तब की, श्रीमती इंदिरा गांधी, जेल में निरुद्ध राजनारायण से रायबरेली में चुनाव हार गई। ये पहली क्रांति थी, ये जनतंत्र की पहली ताकत देश की जनता ने बताई थी। और दूसरी ताकत मैंने मेरी आंखों से देखी, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते तार, और उत्तर प्रदेश में बसपा ने बहुमत से अपनी सरकार बनाई। और तीसरी क्रांति मैंने दिल्ली में देखी कि 70 में से 67 सीटें एक नौजवान ने, बिल्कुल नया नौजवान, उसने आप पार्टी बनाकर दे दी। और चौथी क्रांति जो मैं देखने का सपना रखता हूँ, वो क्रांति है नरेंद्र भाई और राहुल गांधी जैसे लोग अपने चुनाव क्षेत्र में अपनी जमानत नहीं बचा सकें। और उसके लिए क्या करना होगा? मोबाइल से मतदान का अधिकार और नोटा को प्रत्याशी का दर्जा। मैं कहता हूँ ये युवा भारत वो करके दिखाएगा जो आज तक भारत की धरती पर कभी नहीं हुआ। पर ज्यादा संशोधन किया जा रहा है संविधान के अंदर,
आर्टिकल 14 का आपको उल्लंघन नहीं लगता सिटीजन अमेंडमेंट बिल लाकर कि धर्म के आधार पर आप किसी को नागरिक कैसे बना सकते हैं? फिर आप NRC जहाँ आपने NRC लाया है वहाँ पर 1,00,000 गोरखे को आपने बाहर कर दिया उसमें से जो वहाँ के मूल निवासी हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता इन सब में जो हुआ कहीं ना कहीं कुछ घपला ज़रूर है? ज़्यादा अच्छा होगा आप लोग थोड़ी मेहनत करें, एक पुस्तक है रिप्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस ए फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में भारत की आत्मा को कब कब छलनी किया गया, कैसे कैसे छलनी किया गया, सारा विस्तार से वर्णन है। और इसको सबसे ज़्यादा पंख लगाए हैं इस NRC वाले प्रोजेक्ट ने, जिसमें देश का गृह मंत्री है ना, देश का जिम्मेदार आदमी ये कह रहा है कि आप अगर हिंदू हैं, आप सिख हैं, आप बौद्ध हैं, आप ईसाई हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक पंथ विशेष का वो नाम नहीं ले रहा है, मतलब वो इस देश को बांटने की साजिश कर रहा है। और जो आदमी देश को बांटने की साजिश कर रहा है वो लीडर नहीं हो सकता, वो मैनेजर है। और उस मैनेजर को इस देश की जनता समय आने पर जरूर सबक सिखाएगी। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।